आज का बिजनेस वीडियो गुटखा पान मसाले के ऊपर होगा दोस्तों। अगर आप भी पाइकारी बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो गुटखा पान मसाला का, जैसे कि शेखर कंपनी हो या बिमल कंपनी हो या राष्ट्रीय कंपनी, अगर आपको माल खरीदना है तो यूट्यूब में तो बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, भर भर के वीडियो मिलेगा। कोई आपको नंबर नहीं देगा, सिर्फ वीडियो बनाते जाएगा। अगर आपको नंबर चाहिए, माल डायरेक्ट जेन्युइन बिजनेस करना है, माल खरीदना है ऑनलाइन के द्वारा या ऑफलाइन, तो वीडियो लास्ट तक देखो। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी टाइप का न्यू बिजनेस वीडियो हम लेके आते भाई। डायरेक्ट सप्लायर का नंबर, किसान का नंबर, होलसेलर का नंबर, किसी भी टाइप का बिजनेस करते हो भाई, बिजनेस तो बताते हैं और आपको कहां से माल खरीदना है उसका नंबर भी देते हैं। इसी टाइप का न्यू बिजनेस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम अभी वॉचिंग बिजनेस वाइड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गुटखा पान मसाला का बिजनेस करोगे कैसे, उसका एजेंसी कैसे लोगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसका नंबर वगैरह आपको कहां पे मिलेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखना, थोड़ा सा देखोगे तो मिस हो जाएगा, पूरा देखना पड़ेगा। और ये यूट्यूब में फर्स्ट टाइम हम लेके आए, नंबर देंगे डायरेक्ट, ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। वीडियो एकदम छोटा होगा, उसके अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको शेखर कंपनी मिल जाएगा, बिमल कंपनी मिल जाएगा, राष्ट्रीय कंपनी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिगरेट भी चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा, समझे बात। और रेट वगैरह देखो यहाँ पे यूट्यूब में हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस का आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या आपको नंबर चाहिए तो नंबर लास्ट तक देंगे। लास्ट तक वीडियो देखते रहो, आपको नंबर इसी के अंदर आपको देंगे। लोग का सबसे ज्यादा कमेंट रहता है जब भाई ये बिजनेस में इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, माल कहाँ से मिलेगा, उसका नंबर जेन्युइन होगा कि नहीं, ऑनलाइन में होगा कि नहीं। भाई सुनो, ऑनलाइन में ये सब होता है, मगर ऑनलाइन में ना भाई चीटिंग होता है। अगर आपको देखो नंबर तो हम आपको दे देंगे, मगर बिजनेस आपको करना है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, आके माल चेक करके उसके बाद लेके जाओ, समझे बात। माल लेने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा, हाँ ये माल आपको कोलकाता से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का सुविधा हम खुद करवा देंगे, समझे। आप इंडिया कहीं भी कोने पर रहते हो, गुजरात में रहते हो, उड़ीसा, बिहार में, यार कहीं भी रहते हो भाई, ट्रांसपोर्ट सुविधा मैं किस लिए हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपको बता देंगे कौन सा ट्रांसपोर्ट का नाम बता देंगे और कलकत्ता से ट्रांसपोर्ट ये लगता है, समझे बात। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से जल्दी, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धंधा करो और दूसरों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।